हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं बेनजीर क्लास। आज मैं आपको बताने वाला हूं तेलंगाना राज्य के बारे में। इससे पहले मैंने कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल के बारे में स्टैटिक जी को अपलोड कर दी है। नीचे आपको लिंक मिल जाएगी, आप वहां से वॉच कर सकते हैं। आज का यह वीडियो आपको सेंट्रल लेवल एग्जाम और स्टेट लेवल एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। तो शुरू करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण जीके को। राज्य है हमारा तेलंगाना, जिसका गठन 2 जून 2014 को किया गया था। यह राज्य आंध्र प्रदेश से अलग करके 2 जून 2014 को नया स्टेट तेलंगाना बनाया गया, जो विशेषकर यहाँ की मुख्य भाषा तेलुगु है। कौन सी है? तेलुगु है, और एडिशनल रूप में उर्दू भी बोली जाती है। यहाँ के वर्तमान के सीएम है के चंद्रशेखर राव जी। कौन है? के चंद्रशेखर राव जी यहाँ के वर्तमान सीएम है। वर्तमान राज्यपाल है यहाँ के तमिल साई सुंदर राजन जी। आगे बात करते हैं इसका क्षेत्रफल क्या है। तो क्षेत्रफल है 112,077 वर्ग किलोमीटर, 112,077 वर्ग किलोमीटर, और क्षेत्रफल के दृष्टि से 11वां राज्य है भारत देश का। वहीं जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या है 3.51 करोड़, और भारत देश में 12वीं रैंक रखता है यह राज्य जनसंख्या के मामले में। घनत्व की बात करें, जनसंख्या घनत्व यहाँ का दोस्तों मैं बताऊंगा 307 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर पर यहाँ निवास करते हैं। राजकीय पुष्प की अगर बात करें आप तो टंगेडू है यहाँ का राजकीय पुष्प, और राजकीय वृक्ष की बात करें तो जम्मू ट्री ये राजकीय वृक्ष है। राजकीय पक्षी की बात करें तो इंडियन रोलर, राजकीय पशु जिंका यानी डीर, ठीक है। और हाईकोर्ट की बात करें, हाईकोर्ट ये हैदराबाद में है। तेलंगाना हाईकोर्ट कहाँ पर है? हैदराबाद में स्थित है, जो 1 जनवरी 2019 से अधिकृत कर दी गई थी तेलंगाना राज्य की। इससे पहले यह हैदराबाद की हाईकोर्ट आंध्र प्रदेश के लिए अधिकृत थी। यहाँ पर 24 जस्टिस बैठते हैं, यानी 24 बेंचेस हैं यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं, राज्य की स्थापना दिवस कब मनाते हैं? तो राज्य की स्थापना 2 जून को मनाते हैं। वहीं विधानमंडल यहाँ का द्विसदनीय कितना है? द्विसदनीय है। विधानसभा सीटें यहाँ पर कितनी है? तो 119 विधान सीटें हैं। वहीं विधान परिषद की बात करें तो 46 हैं। लोकसभा में 17 सीटें हैं और राज्यसभा में 7 सीटें हैं। प्रमुख त्यौहार की बात करें तो प्रमुख त्यौहार यहाँ का बाटुकम्मा है, आप देख रहे होंगे बाटुकम्मा। प्रमुख नदियों की बात करें तो कृष्णा, गोदावरी, भीम, मंजीरा और मूसी यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं, और मेन रूप से कृष्णा और गोदावरी की 70% भाग तेलंगाना राज्य में ही बहती हैं। तेलंगाना नदी जो मुख्य नदियां हैं कृष्णा और गोदावरी, ये मुख्य रूप से 70% भाग तेलंगाना राज्य में ही इनका बहता है। प्रमुख झील की बात करें तो प्रमुख झील यहाँ पर हुसैन सागर झील है, पाखल झील और उस्मान सागर झील, ये तेलंगाना राज्य की प्रमुख झीलें हैं। प्रमुख शहर की बात करें तो हैदराबाद, वारंगल, खम्मम, निजामाबाद और करीमनगर यहाँ के मुख्य शहर हैं। अब हम बात करेंगे पर्यटक स्थल की। तो पर्यटक स्थल में जैसे पहुँचते हैं तो हैदराबाद की चार मीनार, जिसे 1591 में इस्टेब्लिश किया गया था, किसके माध्यम से कराया गया था? तो कुतुब शाही के माध्यम से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, गोलकुंडा का किला, श्री वेंकटेश्वर मंदिर, नागार्जुन सागर बांध, यह भारत देश का दूसरा सबसे बड़ा बांध है नागार्जुन सागर बांध, जो तेलंगाना राज्य में है। कुतुब शाही मकबरा, रामोजी फिल्म सिटी आपने सुना होगा हैदराबाद में है। बोंगीर का किला, पैगा और तोमबस यहाँ के फेमस पर्यटक स्थल हैं, जो परीक्षा के दृष्टि से कई बार पूछे जा चुके हैं, इसलिए इन्हें मेन रूप से टारगेट करके आपको बताया जा रहा है। सीमाओं की बात करें तो तेलंगाना राज्य की सीमाएं किन अन्य राज्यों से संपर्क करती है? तो उत्तर में महाराष्ट्र से, पूर्व में छत्तीसगढ़, और आगे बढ़ेंगे पश्चिम में कर्नाटक, और वहीं पूर्व और दक्षिण में आंध्र प्रदेश से तेलंगाना की सीमाएं टच करती हैं। अब बात करते हैं आगे, तो तेलंगाना में सबसे बड़ा हाईएस्ट वाटरफॉल कहां पर है? तो ये अलीदाबाद जिले में 147 फीट ऊंचा कुंताला वाटरफॉल है, जो तेलंगाना राज्य का सबसे बड़ा वाटरफॉल है। अब बात करते हैं महबूब नगर क्षेत्रफल की दृष्टि से तेलंगाना राज्य का सबसे बड़ा जिला है। वहीं रंगारेड्डी जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है तेलंगाना राज्य का। वहीं बात करें देश की राजधानी यानी राज्य की राजधानी हैदराबाद, देश का सबसे बड़ा आईटी हब है, और यहीं पर डिफेंस के
डिफेंस डायनामिक्स लिमिटेड और डिफेंस के कई सेक्टर्स की कंपनियां प्रमुख रूप से हैदराबाद में ही काम करती हैं, और हैदराबाद एक अनुसंधान केंद्र का फेमस सेंट्रल अनुसंधान केंद्र कई यहीं पर है। और मैं बताना चाहूँगा, गोदावरी जो दक्षिण की गंगा कही जाती है वो तेलंगाना राज्य से ही है, इसे दक्षिण की गंगा भी कहते हैं। यहीं से आज हमारा जीके समाप्त होता है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो दोस्तों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नए स्टैटिक जीके में, जिसमें नए राज्य के बारे में चर्चा करेंगे, वहां की नई जीके आपको बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।